Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata मोहिनी एकादशी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम अज्ञा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम जो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का सिक्स चैप्टर का नाइन्थ श्लोक देख रहे हैं। वायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुत्रे मृत्योर निरयस्य गुदं स्मृतः। ओ नारद, द इवैक्यूएटिंग आउटलेट ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड is the abode of the controlling deity of death, Mitra, and the evacuating bowl and the rectum of the Lord is the place of envy, misfortune, death, hell, etc. इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, हे नारद, भगवान के सार्वभौमिक रूप का निष्कासन आउटलेट मृत्यु के नियंत्रक देवता मित्र का निवास है और निकासी छेद और भगवान का मलाशय ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान है। इस सिक्स चैप्टर में ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के अलग अलग बॉडीली पार्ट्स के जो वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हे नारद, ये अनुवाद जो दिया है, हे नारद, ये श्री ब्रह्मा जी जो है वो नारद भगवान को इस बारे में कह रहे हैं। इसके पर्पट में शिला प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा नहीं है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2.6.10 की तरफ। पराभूतेर धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनन्दीनां च गोत्राणां स्थिह संहितः। Translation: The back of the Lord is the place for all kinds of frustration and ignorance, as well as for immorality. For his venous flow the great rivers and rivulets, and on his bones are stacked the great mountains. इसका हिंदी अनुवाद ऐसे है, प्रभु की पीठ सभी प्रकार की कुंठाओं और अज्ञानता के साथ साथ अनैतिकता का स्थान है। उसकी शिराओं से बड़ी बड़ी नदियाँ और नाले निकलते हैं और उसकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। तो हरे कृष्ण, इसमें इसके पर्पट में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान के परम व्यक्तित्व की अव्यक्तिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए उनके पारलौकिक शरीर के शारीरिक गठन का एक व्यवस्थित विश्लेषण यहाँ दिया गया है। भगवान के शरीर उनका विराट स्वरूप के उपलब्ध विवरण से यह स्पष्ट है कि
भगवान का रूप सामान्य सांसारिक धारणा के रूपों से भिन्न है। किसी भी स्थिति में वह कभी भी निराकार शून्य नहीं होता। अज्ञान भगवान की पीठ है और इसलिए पुरुषों के कम बुद्धिमान वर्ग की अज्ञानता भी उनकी शारीरिक अवधारणा से अलग नहीं है। चूंकि उनका शरीर हर चीज का पूर्ण रूप है, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि केवल अवैयक्तिक है। इसके विपरीत भगवान का पूर्ण वर्णन यह मानता है कि वे एक साथ अव्यक्तिक और व्यक्तिगत दोनों हैं। भगवान का व्यक्तित्व भगवान की मूल विशेषता है और उनका निर्वैयक्तिक निर्गम केवल उनके पारलौकिक शरीर का प्रतिबिंब है। जो सौभाग्यशाली है कि वे सामने से भगवान के दर्शन कर पाते हैं, वे उनके व्यक्तिगत रूप को जान सकते हैं। जबकि वे जो निराश है और इस प्रकार भगवान के अज्ञान पक्ष में रखे जाते हैं, या दूसरे शब्दों में वो जो भगवान के दर्शन को देखते हैं पीछे से भगवान, उन्हें उनके अव्यक्तिक रूप से महसूस करें। तो इस श्लोक में बताया गया है तीन शब्दों के बारे में, वो है अधर्मस्य मतलब अनैतिकता, तमसः मतलब अज्ञान, और पराभूत मतलब हताश। इन लोगों के बारे में बताया गया है। पराभूत मतलब जो है, ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि पराभूत मतलब फ्रस्ट्रेशन, अधर्मस्य मतलब इमोरलिटी, एंड तमसा मतलब इग्नोरेंस। इस श्लोक में श्री कृष्ण के भगवान के पीठ की तरफ कौन से लोग होते हैं और उनकी क्या विमुख होने की वजह से उनकी क्या दिशा होती है, इसका ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है उनकी दशा क्या होती है, ये हमें भगवान जी बता रहे हैं। जो भगवान के प्रति समर्पित है वो हमेशा भगवान के सन्मुख मतलब सामने होते हैं, और जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है उनकी जगह है भगवान के पीठ की तरफ मतलब भगवान के पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उद्विग्नता मतलब फ्रस्ट्रेशन, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, एंड अनैतिकता मतलब इमोरलिटी। जो भगवान से संबंधित नहीं होते हैं उन्हें अज्ञानता घेर लेती है। अज्ञानता का मतलब यहाँ पे क्या है कि अज्ञानता मतलब एक जीव जब भूल जाता है अपना जो नित्य स्वरूप है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, वो भूलने की वजह से उसे बड़ी अज्ञानता कहते हैं कि वो भूल जाता है कि जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। एक जीव का स्वरूप हमेशा होता है कृष्ण का दास बन के रहना, ना कि मालिक बन के रहना। तो जैसे ही जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, अगर वो कृष्ण को याद नहीं करता तो डेफिनेटली वो किसे याद करेगा, माया को याद करेगा। या फिर जब भी वो कृष्ण को भूल जाता है या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अपना जो स्वरूप है मूल स्वरूप उसे भूल जाता है तो माया उसे झपट लेती है और वो फिर माया का शिकार बन जाता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जब अपने जीव अपने कर्तव्य को भूल जाता है या फिर भगवान का दास बनना भूल जाता है तो उसकी जगह कहाँ होती है, भगवान के पीछे भगवान की पीठ की तरफ होती है। क्योंकि जब वो भगवान का दास ही नहीं बनना चाहता तो भगवान के सन्मुख भी कैसे रहेगा, तो वो भगवान से विमुख हो जाता है। और इस अज्ञान के वश जीव जो है अपने आप को भोक्ता समझने लगता है। ये अज्ञान जो है भगवान का दास बनना ये उसे एक्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो खुद को अपना भोक्ता समझने लगता है और वो जितना भी सुख भोगने लगता है उसे लगता है कि मैं ही इसका कारण हूँ। सो भगवान कहते हैं कि जब भी व्यक्ति इंद्रिय स्पर्श से भोगने का प्रयास करता है उसे वहीं से उसके दुख का चक्र शुरू हो जाता है। कि जब भी व्यक्ति सोचे कि मैं अगर अपनी इंद्रियों द्वारा भोगने का प्रयास करना शुरू करूं और उसके लिए जब वो प्रयास करने लगता है कि अलग अलग तरीके अपनाने लगता है और फिर वहीं से उसे दुखों का चक्र शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी भोगने की चाहत से वो कर्मों के बंधनों में भी आने लगता है। सो भौतिक पदार्थों से इंद्रिय तृप्ति जो करने की उसकी इच्छा होती है वही उसके दुखों का मूल कारण बन जाता है। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, हम ये सभी अनुभव करते हैं कि जैसे हमने नई कार ली, नया मोबाइल लिया, तो ये सब सुख होते हैं। सुख जो है भौतिक सुख है वो क्षणिक है, वो बहुत देर तक सुख की तरह से नहीं टिक पाते। पहले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल भर तक हमें नई चीज़ों के बारे में लगता है कि ये सब नया है और हम उसे एंजॉय करते हैं,
बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर वो पुरानी हो जाती है चीजें और वो सुख जो है वो क्षणिक बन जाता है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आवाज नहीं आता। प्रभु जी काय म्हणाले? प्रभु हरे कृष्णा, तुमचा आवाज नाही येत आहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। प्रभु जी ये कह रहे कि वो आपने जो ये साथ में ये श्लोक दिखा रहे हैं उसको थोड़ा ये कर देंगे तो रिकॉर्डिंग में कि आपका वीडियो आएगा। मला लक्षात नाही ऍक्च्युअली स्टॉप शेअरिंग करायचं होतं ते, मी डायरेक्टच स्टार्ट केलं तसंच। ओके हरे कृष्ण। तर आपण आता असं म्हणत होतो की जेव्हा जीव आपला स्वतःचं कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन जी आपलं नित्य स्वरूप आहे त्याला विसरतो आणि तो अज्ञानाचा शिकार बनतो आणि ते अज्ञान। हा प्रभूजी, हिंदी हिंदी, ओ सॉरी सॉरी। ओके, अभी हमने ऐसा देखा है कि जब जीव अपना जो नित्य स्वरूप है, जिवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास, ये जब दास की भावना से निकल के वो जब भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा में जाता है, तब जो है वो इस दुख का कारण बन जाता है उसके लिए, क्योंकि उसे वहां से दुख का चक्र शुरू हो जाता है और उसे बड़ी अज्ञानता कहा गया है यहाँ पे। और ये जो भौतिक सुख होते हैं वो हमेशा क्षणिक होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर वेरी टेम्पररी। और जब माया भ्रमित करती है तो व्यक्ति उन भौतिक वस्तुओं में सुख की प्राप्ति की योजनाएं बनाने लगता है। अगर ऑब्वियसली है कि अगर आप एक तो आप कृष्ण के दास बन सकते हो या फिर आप माया दास बन सकते हो। अगर आप कृष्ण के दास नहीं बनना चाहते तो आप डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ही माया के दास बनोगे। और अगर हम जब माया के दास बनते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम योजनाएं बनाने लगते हैं कि कैसे मुझे किस भौतिक, कहाँ से मुझे सुख मिलेगा, कौन से भौतिक चीजों से मुझे सुख मिल सकता है। और जब व्यक्ति बार बार प्रयत्न करने पर भी विफल होता है तो उद्विग्नता मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मतलब बहुत सारे हाथ पैर मार के हम देखते हैं कि कहाँ किस चीजों से मुझे सुख मिले, और जो कुछ भी सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। अगेन वी सर्च फॉर, अगर हम फिर हम सुख की खोज में निकलते हैं, पर इस चक्कर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मतलब उद्विग्नता आ जाती है। सो अज्ञान से फ्रस्ट्रेशन होता है, ये हम अब समझ रहे हैं कि अगर हमारा जो अज्ञान है उससे हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति अनैतिक कार्यों को भी स्वीकार करने लगता है, मतलब उसमें धीरे धीरे अनैतिकता भी आने लगती है कि वो चीटिंग प्रोपेंसिटी जैसे हम सब में थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, तो वो अनैतिकता जो है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगती है भौतिक सुखों की खोज में। एंड वो जो है वो व्यक्ति किसी भी तरह के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है टू गेट दैट टेम्पररी हैप्पीनेस। और उसका अच्छा उदाहरण एक है, हम देख सकते हैं कि अमेरिका, अमेरिका में जो है इसका जीता जागता उदाहरण हम इसे क्यों कहते हैं कि वहाँ पे एक डेवलप कंट्री होने की वजह से हर तरह के सेंस ग्रेटिफिकेशन की मतलब इंद्रिय तृप्ति की वहाँ पे योजनाएं रखी हुई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही लगे होते हैं। तो जैसे लेकिन वहाँ अगर देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों भी कष्ट उनकी तरफ ज्यादा और दिखाई देते हैं। जैसे हम देखेंगे कि वहाँ पे डिवोर्स का रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, या फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स वहाँ पे हम ज्यादा देखेंगे, सुसाइड रेट्स हम ज्यादा देखेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे हैं, प्रभु जी इज इट ओके नाउ? नो आई एम ओके। इसीलिए इस श्लोक में ब्रह्मा जी हमें कह रहे हैं कि इसीलिए हम ब्रह्मा जी हमें कह रहे हैं तमसाश्चपि पश्चिम। देखिए अगर यहाँ पे पश्चिम ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, तो पश्चिम का मतलब है कि जहाँ पे माया का खूब सारा प्रभाव है। तो जो है कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्रियों में माया का इतना प्रभाव है, और प्रभुपाद जो है हमारे वो कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु का हरे नाम संकीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र वहां देखे आए हैं पश्चिम वासियों को ज्यादा, उनके श्रीला प्रभुपाद जी के मंत्र में ही, प्रणाम मंत्र में ही वो वही आता है, समस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो उन्होंने भी पाश्चात्य देश को तारण करने के लिए वहां गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है वो वहां पे दे आए हैं। और वहां के लोग आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज इस माया माया की मतलब वहां पश्चिम देशों में रहते हुए भी जिनको पॉसिबल है जो खर्चा कर सकते हैं वो इंडिया में आके वृंदावन धाम में रहने का, मायापुर धाम में रहने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो है हम आजकल देखते हैं कि हमारा भारत जो ईस्ट पूर्व की तरफ आता है तो हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के सन्मुख है और पश्चिमवासी जो है भगवान के विमुख है। लेकिन अभी भी हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग उस वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमात्य देशों में जाने का प्रयास करते हैं और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्वयं को वो माया की गोद में बिठाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऐसा एक सवाल आ सकता है कि माया भगवान के पीछे क्यों रहती है, व्हाई शी इज स्टेइंग बिहाइंड, क्योंकि माया का जो जीव को भगवान को पीछे से ही जाके कष्ट देती है। जैसे हम कहते हैं कि जब पिता और पुत्र के रिलेशनशिप में आप देखेंगे, अगर पुत्र जो है वो पिता की बात नहीं मानता या फिर उनका उन्हें गलत जवाब देना या फिर पिता की बात न मानना, इस चीज को हम देखें तो माता उस समय क्या करती है कि पुत्र को पिता के सामने न डांटते हुए उसे पीछे की ओर या फिर किसी और जगह ले जाके उसे समझाती है, उसे दंडित पिता के सामने नहीं करती। इसी प्रकार जब माया के भाव में हम फंस जाते हैं तो माया भी वही करती है कि माया हमें, हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसी वजह से, माया से प्रभावित होने के कारण बहुत सारे कष्ट आज के दिन में भोगते हुए हम देख रहे हैं। भगवान जो है वो गीता में भी कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सर्व परम भोक्ता जो है वो भगवान है, सारी संपत्ति भगवान की है लेकिन जीव उसे अपनी समझता है, तब माया उसे भगवान के पीछे जाकर समझाने का प्रयास करती है। अभी हम देखेंगे भगवान की तीन तरह की शक्तियां होती है, एक है चित्त शक्ति, वो है आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी है तटस्थ शक्ति दैट इज मार्जिनल पोटेंसी जीव शक्ति, और तीसरी है माया शक्ति, वो है बहिरंगा शक्ति। अभी हम जीव जो है वो तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल पोटेंसी में आते हैं, तो हमें जीव को हमेशा दो चॉइसेस दी गई है कि आप चित्त शक्ति की मतलब आध्यात्मिक शक्ति की तरफ जा सकते हैं या फिर जो भगवान की माया शक्ति है बहिरंगा शक्ति उसकी तरफ आ सकती है। चॉइस जो है वो हमें दी गई है भगवान की, भगवान ने दिया है कि आप समझो सोचो और आप चूज करो कि आपको किस शक्ति की ओर ज्यादा जाना है। ये जो माया शक्ति जो है वो चित्त शक्ति का ही प्रतिबिंब मतलब आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रतिबिंब है, और जीव शक्ति जो है हैज टू चूज वन ऑफ दिस शक्ति मतलब उनको किसी एक शक्ति को अगर चूज करना है, जीव को कृष्ण को समर्पण करना है या माया को, ये स्वतंत्र जीव को भगवान ने दिया है। एक बार जो है शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान को संपूर्ण समर्पण करने के लिए प्रभुपाद हमें कितना वक्त लगेगा, एक साल मतलब 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 10 साल, कितना दिन लग सकता है। तो प्रभुपाद ने उन्हें एक अच्छा जवाब दिया कि एक जीव जो है 1 मिनट में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही, जस्ट अ मोमेंट, 1 मोमेंट में ही वो भगवान को समर्पित कर सकता है, और उसकी जगह जो भगवान के पीठ की तरफ है वो तुरंत उसे आप भगवान के सामने सन्मुख लेके आ सकता है। ये जब कब होगा, यदि वह अपनी जो चॉइस करने की स्वतंत्रता है उसका सही तरह से उपयोग करेगा। लेकिन आज हम देखेंगे कलयुग का प्रभाव जो है वो ज्यादातर लोग माया के दास बनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे भगवान जो है ब्रह्म संहिता में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जी आई शेयर वन स्क्रीन अगेन, मुझे दिख रहा है अभी स्क्रीन मेरा, मुझे अभी दिख रहा है ब्रह्मा जी जो है वो अपनी 44th वर्ष में ब्रह्म संहिता के कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एक छाएव यस्य भुवनानि विभराति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य च चेष्टते सा
गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। वो कह रहे अनुवाद में, बाहरी शक्ति माया जो कि चित्त शक्ति की छाया की प्रकृति है, सभी लोगों द्वारा दुर्गा के रूप में इसे पूजा की जाती है। जो इस सांसारिक दुनिया की सृजन संरक्षण और विनाशक एजेंसी है, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा खुद का संचालन करती है। प्रभु जी ओके ना, नाउ स्क्रीन गया। तो जो है इस माया को दुर्गा के नाम से जाना जाता है, एंड वो जो है माया क्रिएशन मेंटेनेंस एंड एलिहिलेशन, ये तीनों काम करती है। वो किस किसकी इच्छा अनुसार करती है, ये सब चीजें कार्य जो होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। और भगवान की जी समर्पित भक्त जो है वो आध्यात्मिक शक्ति के हमेशा संरक्षण में रहते हैं, और यह उन्हें भगवान के प्रति और समर्पित करती है। लेकिन जो भगवान को समर्पित नहीं करते वो जो है वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। हम भगवद्गीता में भी देखते हैं कि देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मतलब वो हमेशा माया के बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आते हैं। जब तक व्यक्ति अज्ञान अवस्था में रहते हैं तब तक वो कष्ट भोगते हैं, और इस अज्ञान को का मूल कारण है उनकी भौतिक इच्छाएं। जो है भौतिक इच्छाएं, जो इंसान मतलब एक व्यक्ति जो है अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान से विमुख होना पसंद करता है, और वही वहां से उसके दुख का कारण बन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो माया के प्रभाव में आता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटतम माया तारे झपटिया धरे। जब भी कृष्ण को जीव भूल गया उसे तुरंत आके माया झपट ही लेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको यहाँ जाना है या फिर यहाँ आध्यात्मिक शक्ति को चूज करना है या फिर बहिरंगा मतलब माया शक्ति को चूज करना है। तो आप कृष्ण को भूलोगे, जब ही व्यक्ति कृष्ण को भूल जाएगी तो माया उसे झपट लेगी, क्योंकि देर इज नो अदर सोर्स टू लीव द लाइफ। तो काम जो जीव है वो काम जो है वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब ये भौतिक जो सुखों के लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है या फिर चाहता है कि मैं भौतिक सुखों को उपभोगूं, और उसको पता है कि ये सब क्षणिक है, फिर भी उसको बार बार उसी की तरफ अगर जाना चाहता है तो उसका मेन रीजन है कि लस्ट काम। जो है जीव मोह ग्रसित है, मोह का मूल कारण है काम, और यही काम जीव को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। यदि काम को भगवत प्रेम में प्रणित कर दिया जाए तो काम तथा लोभ दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो है काम जो है मतलब भौतिक भोग करना, इंद्रियों से भोग करने की जो इच्छाएं होती है व्यक्ति की, उसे काम कहा गया है। और जब वो इस इंद्रिय सुख में काम में अपने आप को मशहूर मतलब ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेगा, तभी वो क्या होगा, कर्म बंधनों में और अटकता जाएगा। और जैसे वो कर्म बंधनों में अटकता गया, इसका मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर से वो कभी नहीं छूट पाएगा। इसीलिए काम को सबसे बड़ा दुश्मन मतलब मेन कॉज ऑफ दिस अज्ञानता जो है वो काम है, क्योंकि वो हमेशा भोग भौतिक सुखों के भोग में लगा रहता है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा, मतलब नॉट ओनली सर्विंग टू द लॉर्ड इज भक्ति, बट सर्विंग टू द लॉर्ड विद द डिवोशन एंड लव इज कॉल्ड भक्ति। मतलब भगवान की प्रेममय सेवा ही भक्ति है। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि काम का निवास स्थान कहाँ है, ये लस्ट रहता कहाँ है, जो काम जो है वो मूल रीजन है या सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये काम कहाँ निवास करता है। काम जो है वो इंद्रिय मन और बुद्धि, दैट इज सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस, इन तीन जगहों पे ये काम अपना निवास करता है। और फिर काम जो है वो प्रवेश कहाँ से करता है, तो काम प्रवेश अपनी इंद्रियों द्वारा करता है। क्योंकि अगर हम देखें, जब अगर हम उसी रोड से ऑफिस जाने के इसी रास्ते से हम अगर रोज जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है, और उस होर्डिंग पे अब हम देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट मोबाइल की कोई पिक्चर और एडवर्टाइज लगी हुई है। तो हम आते जाते रोज उस पिक्चर को देख रहे हैं, मोबाइल की पिक्चर, तो वहाँ से हमने पहले देखी है, मतलब हमने हमारी आँखों को इंद्रियों को हमने यूज़ किया है उस पिक्चर को देखने के लिए। और थोड़े दिनों में महीने दो महीने में जाके हमारे मन में या फिर हमारी बुद्धि ऐसे संकेत देती है कि हमारे मन में उसे मैं उस फोन को खरीदूं, ऐसी चाल तैयार हो जाती है।
मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लस्टी डिजायर से कहाँ शुरू हुआ है, इंद्रियों से, मतलब हमने पहले आंखों से देखा, फिर बुद्धि ने उसे, फिर मन ने चाहा कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, और फिर बुद्धि ने उसे प्रेरणा दी कि मैं इस चीज को कैसे पा सकता हूँ. सो दैट इज द मेन, जो ये सर्कल शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है, इंद्रियों से शुरू होता है. सो यहाँ पे अगर हम भगवत भक्ति के बारे में बात करें तो इसीलिए अगर हम इंद्रियों को खुला नहीं छोड़े और उसे हम भगवान की सेवा में हमेशा लगाए रखें, तो फिर ये शक्य पॉसिबल है कि हम इस काम को भी या फिर इंद्रिय भोग को हम आध्यात्मिक रूप से उसे बना सकते हैं. कृष्ण प्रेम हर जीव के अंदर मौजूद है. अब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन है कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास. तो कृष्ण का प्रेम जो है वो हमारा ओरिजिनल, मतलब अंदर ऑलरेडी सबके है, हमें कहीं जाके उसे प्राप्त नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है उसे जागृत करना है. और ये जो कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों में नवविधा भक्ति दी गई है. तो उसमें नवविधा भक्ति का सबसे पहले दो तीन अंग है, श्रवणम कीर्तनम साधु संग. तो ये तीनों भी जो है बहुत इफेक्टिव है कि हम हमारे जो अंदर कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, जो बीज ऑलरेडी है, उसको हम फ्रुक्टिफाई करने के लिए ये तीन, मतलब साधु संग, श्रवणम और कीर्तनम, इन तीनों को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें हमारे लाइफ में और उसका महत्व समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें हमें, या फिर नवविधा भक्ति के अंग शास्त्रों में दिए है उस तरह से फॉलो करना. और ये नवविधा भक्ति को फॉलो करते हुए सबसे एकदम अहम रोल जो है इस पार्ट में, इस हमारे जर्नी में, वो है गुरु का. तो गुरु की शरण लेना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अज्ञानता का जो पर्दा है वो गुरु की कृपा दृष्टि से ही दूर हो सकता है और हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं. तो जो है और एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो है, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां रहे कृष्ण तार नहीं माया अधिकार. मतलब जो कृष्ण है वो सूर्य के समान है, उनकी इतनी तेज है, लेकिन अगर इतनी तेज के सामने जो माया, उसका अंधकार है, वो कहीं नहीं रह सकता. और जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने जैसे कहा कि अगर आपको कृष्णदास बनना है या फिर मायादास बनना है, तो हम जो बनना चाहते हैं वो हम डेफिनेटली बन सकते हैं. इसीलिए अगर गिवन अ चॉइस, शास्त्रों के अनुसार अगर हम जाना चाहते हैं, भगवत भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण का दास होना बहुत जरूरी है. और अगर हम कृष्ण की शरण ले लें तो पहली बात जो है, तो इंद्रियों से जो भोग रूपी कामनाएं आ रही है वो नष्ट हो जाएगी, मन से भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, और बुद्धि जो है हमारी वो भोगने की बजाय या फिर भोगने की योजनाएं ना बनाकर भक्ति में आगे बढ़ने की योजना बनाना शुरू कर देगी. तो ये जो है आज की श्लोक में जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमें भगवान की पीठ की तरफ नहीं रहना है, भगवान से विन्मुख नहीं रहना है, भगवान के समीप आना है, मतलब भगवान के सन्मुख हमें आना है. तो अगर भगवान के सन्मुख आने के लिए हमें पहली बात तो माया की जाल से बाहर निकलना है, क्योंकि पीठ की तरफ कौन है, जो माया के जाल में है, और भगवान के सामने कौन है, जो भगवान के दास है. तो इस श्लोक से हमें यही मैसेज मिल रहा है प्रभु जी कि हम माया के दास न होके कृष्ण दास बने, और हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन है, जो कृष्ण का दास बनना, कृष्ण की सेवा करना, उसे हम फॉलो करें, उसे हम अंगीकार करें, मतलब हमारे डेली रूटीन में उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करें. और यही कह के मैं मेरा यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ. हरे कृष्ण. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. भगवान का जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, वेरी नाइस स्टेटमेंट. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है, वैसे भगवान का भी एनाटॉमी, मतलब जो हमारे शरीर में जो अंग हैं वही भगवान से है. तो ऐसा नहीं है कि जब कोई विग्रह बनाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं तो बनाया हुआ, ऐसा नहीं है. वो मनुष्य को देख के वो विग्रह नहीं बनाया है, मनुष्य को जो है वो भगवान के रूप में बना गया. और हम लोग बाइबल भी देखें तो बाइबल में भी यही लिखा है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड.
जो ब्रह्मा का रूप है उसमें से मनुष्य को बनाया गया। तो इवन बाइबल सेज दैट, इसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे भगवान के, हमने तो पहले के कुछ अध्याय में भी देखा था कि कैसे भगवान के नाखून है, भगवान के केश है, भगवान की आंखें, नाक है, सब कुछ एवरीथिंग है। और अभी इवन जेनिटल्स, और आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इवन रेक्टम एंड इवैक्यूएटिंग होल्स। तो बर्तन वो जैसे बोलते हैं निराकार निराकार, भगवान निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, नहीं है। इवन ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ हिज बॉडी के लिम्स आर गिवन, का एक एक अंग का पूरा वर्णन दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो हाउ कैन समबडी से कि भगवान को रूप नहीं है, निराकार है, कोई बोल ही नहीं सकता, मूर्ख ही होगा जो ऐसा बोलता है। प्रभुपाद जी भी आगे तात्पर्य में बोलते हैं कि इट्स वेरी नाइस कि भगवान जो है निराकार भी है, ब्रह्म ज्योति भी है और साकार भी है। लेकिन जैसे भगवत गीता में वो क्लियरिफाई करते हैं कि वो जो ज्योति है वो कहाँ से आ रही है, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा, ये जो जो ब्रह्म है इसका जो बेस है, इसका जो सोर्स है वो मैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्योति में से भगवान आते हैं, नहीं, भगवान में से ज्योति आती है हमेशा। जो है लाइट जो है बल्ब से आती है, बल्ब जो है लाइट में से नहीं आता। सो दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई लाइक वेरी मच कि मतलब ईच एंड एवरी, मतलब इतना माइन्यूट डिटेल्स भगवान के अंगों का इसमें दिया गया है। और आपने ये जो पॉइंट पकड़ा पश्चिम वाला, वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि पश्चिम का मतलब बैक साइड ऑफ द लॉर्ड, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट यू हैव कवर्ड। और फिर बाद में काम के बारे में कि काम कैसे कहाँ, मतलब क्या रिजल्ट, फर्स्ट श्लोक में पराभूत तमस और इग्नोरेंस नहीं अधर्म, इमोरालिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस के कारण वो अधर्म करता है और अधर्म के कारण और वो अपने फ्रस्ट्रेशन में आगे मतलब पढ़ता है, गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो इट वॉज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और फिर बाद में काम के बारे में जो है, काम भी जो है और कहाँ कहाँ पे स्थित है वो, दैट ऑल्सो वेरी नाइस कि ये कैसे काम जो है हमारी इंद्रियों में होता है, मन में होता है और बुद्धि में होता है। ये जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, मैंने बहुत पहले एक बार प्रेजेंटेशन बनाया था तो उसमें तो उसमें यही था कि अगर हमको दुश्मन से लड़ना है तो एड्रेस पता होना चाहिए हम लोगों को, तो काम कहाँ पे रहता है उसको पकड़ के देन वी हैव टू, वो जो बड़ है उसको वहां से निकाल देना है। तो जब हमको पता ही नहीं है तो हम लोग हाउ विल बी फाइट द, तो इसके लिए भगवान एड्रेस भी देते हैं, भाई ये यहाँ पे रहता है मन बुद्धि और हमारी इंद्रिय। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट वन श्लोक। तीसरे अध्याय में भगवद गीता के थर्ड चैप्टर में श्लोक नंबर 40 में भगवान उसको बताते हैं, ट्रांसलेशन वेरी नाइस। व्हेन यू सेड दैट इमीडिएटली मुझे वो श्लोक याद आ गया, इंद्रियाणि मन बुद्धिर अधिष्ठानम, यानी इंद्रियाणि मन और बुद्धि में अधिष्ठान, मतलब वहां पे वो रहता है। ज्ञानम आपृतम देहिनम, मैं जस्ट उसका एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। द सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस आर सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट, मतलब वहां पे वो बैठता है और इस काम से अपना जो रियल ज्ञान है वो उसको आवृत कर लेता है और उसको मोह में डाल देता है। सो दिस इज वेरी नाइस पॉइंट, आई जस्ट जब आप शेयर दैट श्लोक विच विल कनेक्ट अस, मतलब माता जी ने कहीं ऐसा अपने मन से नहीं बोला, बट इट इज इन भगवद गीता एंड भगवान खुद इसका एड्रेस देता है। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, हरे कृष्णा।
ओके लुक्स लाइक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू माताजी, विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्रेजेंटेशन एंड ऐसे ही माताजी बताती हैं. यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, मुझे संधि देने के लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत धन्यवाद सॉरी क्योंकि उस वजह से ना प्रभु जी प्रिपरेशन का टाइम होता है. वी प्रिपेयर फॉर द लेक्चर, वी रीड, वी लिसन टू द लेक्चर्स एंड देन वी मेक द नोट्स. आई मतलब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, तो बहुत मन से धन्यवाद है आपका एक्चुअली.